हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मित्रा। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम हिंदी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी कर्मनासा की हार देखने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है आपको पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी जो है ऑलरेडी बता दिया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाकर इस वीडियो को देखने के बाद से उन दो कहानियों को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी कहानी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कर्मनासा की हार देखने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि फ्रेंड्स ये कहानी है तो कहानी को बहुत अच्छे से आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कहानी। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको कर्मनासा की हार ये कहानी एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। एंड इस वीडियो को देखने के बाद से आपको कर्मनासा की हार एकदम बहुत अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स कर्मनासा की हार में ज़्यादा पात्र नहीं है, जो भी दो तीन पात्र हैं वो जब मैं आपको कहानी बताऊंगी पढ़ के तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, देखिए कर्मनासा की हार कहानी शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखित है। किसने लिखा है? तो शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखा गया है कर्मनासा की हार कहानी। ओके, कर्मनासा एक नदी का नाम है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि कर्मनासा किसका नाम है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि कर्मनासा जो है एक नदी का नाम है, जिसके किनारे नैडीह नामक एक गाँव है। ठीक है, जिसके किनारे जो है नैडीह नामक एक गाँव है। उस गाँव में भौरे पाणे नाम का एक व्यक्ति है। उस गांव में जो है नैडीह नामक गांव में एक भौरे पाणे नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि अपाहिज है, जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। भौरे पाणे का एक छोटा भाई कुलदीप है, जिसका पालन पोषण जो है भौरे पाणे ने एक पुत्र की तरह किया है अपने माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद। ठीक है, भौरे पाणे का जो है एक छोटा भाई है कुलदीप, और उस जब भौरे पाणे की माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो भौरे पाणे जो है कुलदीप का जो है पालन पोषण एक पुत्र की तरह करता है। कुलदीप अब 16 वर्ष का नवयुवक हो चुका है, मतलब अब बड़ा हो चुका है। भौरे पाणे के मकान के समीप ही एक मल्लाह परिवार रहता है। मल्लाह मतलब जो मछली मारते हैं, ठीक है, तो वो परिवार रहता है। इसी परिवार की फुलमत एक विधवा पुत्री है। ठीक है, उसी परिवार में एक फुलमत नाम की स्त्री रहती है जो कि विधवा हो चुकी है। ठीक है, उसका नाम है फुलमत। एक दिन फुलमत भौरे पाणे के घर जो है वो बाल्टी मांगने गई। ठीक है, बाल्टी देते समय जो है कुलदीप फुलमत से टकरा गया। बाल्टी देते समय जो कुलदीप है भौरे पाणे का जो छोटा भाई है वो फुलमत से टकरा जाता है। फुलमत पहले थोड़ा सा सकपकाती है और फिर जो है मुस्कुरा देती है किसी कुलदीप को देखकर। कुलदीप भी उसकी ओर मुग्ध दृष्टि से जो है देखता है। भौरे पाणे यह सब देख लेते हैं। जब ये मतलब क्रियाकलाप होती रहती है, कुलदीप जब उसकी ओर मुग्ध दृष्टि से देखते हैं, वो भी देखती है फुलमत भी, और वो मुस्कुरा देती है, तो ये सब कुछ जो है भौरे पाणे देख लेते हैं। और जो कुछ भी अब कुलदीप करता है भौरे पाणे जो है उस पर नज़र बनाए रखते हैं। कुलदीप और फुलमत दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। हालांकि जो फुलमत है वो विधवा थी, लेकिन जो है कुलदीप के घर जब वो बाल्टी मांगने गए तो कुलदीप को उसने देखा, मुस्कुराई, उसके बाद से कुलदीप से उसे प्रेम हो गया और कुलदीप को भी उससे प्रेम हो गया। तब आगे होता क्या है, और एक दिन जो है दोनों चांदनी रात में जो है कर्मनासा के तट पर छुपकर मिलने गए। कर्मनासा क्या है, एक नदी है, और उसी नदी के तट पर जो है दोनों छुपकर मिलने गए। आगे देखिए, आगे कि भौरे पाणे उन दोनों को देख लेते हैं। जब वो कर्मनासा के तट पर छुपकर मिलते हैं तो भौरे पाणे जो है कुलदीप के बड़े भाई जो है उन्हें देख लेते हैं, और यह देखकर वो जो है दोनों को डांटते हैं। तो देख लेते हैं तो उनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं तो दोनों को डांटते हैं और कुलदीप को जो है एक थप्पड़ मार देते हैं। ठीक है, अपने भाई को, छोटे भाई को एक थप्पड़ मार देते हैं। लज्जा और भय के कारण जो है कुलदीप जो है घर से भाग जाता है। ठीक है, घर छोड़कर जो है कुलदीप भाग जाता है। कुछ महीनों के बाद जो है कर्मनासा नदी में बाढ़ आ गई। गांव वालों में यह अंधविश्वास प्रचलित है। क्या प्रचलित है, तो यह अंधविश्वास प्रचलित है कि कर्मनासा में जब बाढ़ आती है तो मानव बलि अवश्य लेती है। तो ये अंधविश्वास प्रचलित है गांव वालों में। ठीक है, नैडीह गांव वाले जो हैं उसमें यही अंधविश्वास प्रचलित है कि जब भी कर्मनासा नदी में बाढ़ आएगी तो वो अवश्य एक मानव बलि लेगी, अर्थात मानव की बलि चढ़ाई जाएगी, उसके बाद से ही वो बाढ़ जो है थमेगी। फुलमत कुलदीप के बच्चे को जो है जन्म देती है। फुलमत जो है जो एक विधवा स्त्री थी वो कुलदीप के बच्चे को जन्म देती है, और यह सूचना जो है
सूचना सबको मिलती है तो सब जो है कर्मनाशा बाढ़ का कारण जो है फुलमत को ही समझने लगते हैं, किसी के कारण जो है कर्मनाशा नदी में बाढ़ आई है, और सब मिलकर जो है निर्णय लेते हैं, गांव वाले जो है वो सब मिलकर निर्णय लेते हैं कि उसके बच्चे सहित उसे भी जो है कर्मनाशा नदी में फेंक दिया जाए, जिससे कि कर्मनाशा नदी में जो बाढ़ आई है वो थम जाए, ऐसा सब सोचने लगते हैं। फुलमत अपने बच्चे को जो है छाती से चिपकाए भयभीत खड़ी थी, वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को जो है फेंका जाए या फिर उसे फेंका जाए, ठीक है, वो अपने बच्चे को जो है छाती से चिपकाए हुए जो है खड़ी रहती है। उसी समय भौरे पांडे वहाँ आए, वे इस क्रूरता को रोकना चाहते हैं किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण कि वह कहीं नष्ट ना हो जाए इसी भय से जो है सत्य प्रकट करने से कतराते हैं। वो तो जानते ही थे लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते, वो नहीं कि उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो नष्ट हो जाए, तो यहाँ पर लिखा है किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण कि वह कहीं नष्ट ना हो जाए इसी भय से जो है सत्य प्रकट करने से वो कतराते हैं, वो सत्य जो है गांव वालों के सामने नहीं बोलते हैं। लेकिन देखिए आगे होता क्या है, अंत में जो है भौरे पांडे बच्चे को गोद में लेकर निर्भीक स्वर में कहते हैं, मतलब कि एकदम बिना डरे, निर्भीक का मतलब होता है बिना डरे, ठीक है, तो निर्भीक स्वर में कहते हैं कि फुलमत उनके छोटे भाई की पत्नी है, अर्थात कुलदीप की पत्नी है। जो है भौरे पांडे जो है वो बच्चे को गोद में लेकर निर्भीक स्वर में कहते हैं कि फुलमत जो है वो जो विधवा स्त्री है वो उनके छोटे भाई कुलदीप की पत्नी है। गाँव का मुखिया कहता है कि पाप का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। गाँव का मुखिया क्या कहता है, गाँव का मुखिया कहता है कि फुलमत ने जो है ये पाप किया है और इसे पाप का जो दंड है ये तो भोगना ही पड़ेगा। इस पर भौरे पांडे जो है कहते हैं कि यदि वे यहाँ पर एकत्रित सभी के पाप को गिनाने लगे तो यहां खड़े हुए सभी लोगों को कर्मनाशा की धारा में जाना पड़ेगा। अर्थात उनके कहने का मतलब यह रहता है कि यहां पर जितने भी सारे लोग खड़े हैं सबने कोई ना कोई पाप तो किया ही होगा, तो अगर सभी के पापों को गिनाने लगे तो सबको कर्मनाशा की धारा में जाना पड़ेगा। अब भीड़ में सन्नाटा छा गई, अब सब लोग तो जाना नहीं चाहते, सब लोग भले जानते हैं कि हमने ये पाप किया है लेकिन अब सब लोग थोड़ी ना कर्मनाशा की धारा में जाना चाहेंगे, ठीक है, तो भीड़ में जो है सन्नाटा छा जाती है, नदी की बाढ़ भी जो है उतर जाती है। जब तक ये सब बातें जो होती हैं तब तक नदी में जो बाढ़ आई रहती है कर्मनाशा नदी में बाढ़, वो भी चली जाती है, ठीक है, थम जाती है। तो यहाँ पर जो है कर्मनाशा की हार ये जो कहानी है ख़त्म हो जाती है। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी कर्मनाशा की हार कहानी, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया भी है, और ऐसे ही मैंने पंचलेट और बहादुर कहानी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से आपको बताया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जरूर से जरूर देखिएगा उन वीडियो को, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल से भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो को, इस कहानी को अच्छे से पढ़ पाएँ और अपने परीक्षा में जो अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स तो कमेंट में प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।